और गाड़ दो अहंकार की छाती में विजय का भगवा ध्वज। तो फाइनली दोस्तों, आज दुनिया की मोस्ट मच अवेटेड मूवी आदिपुरुष को थिएटर में जबरदस्त तरीके से रिलीज कर दिया गया है। और क्या तो फैन फॉलोइंग कमाई है इस फिल्म ने अपने शॉर्ट टाइम में, भाई मान गए। एडवांस बुकिंग में क्या सॉलिड जंप मारी है, अभी मैं आपको आंकड़े बताऊंगा, आपके होश हो जाएंगे। स्पेशली तेलुगु से कल के दिन पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया, तेलुगु से अमेजिंग ग्रोथ करी है, कोई भी मूवी ऐसी ग्रोथ तो नहीं करती है। दूसरी तरफ भाई साहब, इस मूवी ने पूरे भारत में क्या तो खलबली मचा रखी है, चाहे इसके क्रिटिसिज्म की बात कर लो, चाहे इसकी ग्रोथ के बारे में बात कर लो। भाई साहब, किसी ने भी ये उम्मीद नहीं करी थी कि ये मूवी इस हद तक ग्रो करेगी, इस हद तक ट्रेंड करेगी। ट्रिपल आर, KGF और पठान जैसी फिल्मों को ना कि सिर्फ टक्कर दे रही है बल्कि खदेड़ने तक की ताकत रख रही है। जी हाँ दोस्तों, एडवांस बुकिंग में इस तरह से ग्रोथ करेगी, मतलब मेरे होश उड़ गए इसकी एडवांस बुकिंग कलेक्शन की रिपोर्ट देखकर। भाई साहब, अभी तक अगर मैं कल से आज सुबह तक की बात करूं तो हिंदी कलेक्शन से सबसे आगे चल रहा था, लेकिन अब तेलुगु एडवांस बुकिंग बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए निकल रहा है। जी हाँ दोस्तों, तेलुगु में तो क्या रिकॉर्ड तोड़ कमाई करी है। और भाई मान गए भैया, प्रभास ऐसे ही नहीं पैन इंडिया के सुपरस्टार हैं। बस आज आदिपुरुष को रिलीज कर दिया गया है, कुछ देर बाद मूवी रिव्यू से भी रिलेटेड अपडेटेड वीडियो भी अपलोड कर दी जाएगी। दोस्तों, पूरी उम्मीद लगाई जा रही है कि सिर्फ इंडिया से 100 करोड़ का बिजनेस कर सकती है फिल्म अपने पहले ही दिन, जो कि एक ह्यूज अचीवमेंट है मूवी के लिए। दोस्तों, यकीन तो मुझे वहां नहीं हो रहा है जिसको भर भर के क्रिटिसिज्म मिल रहा था, जिसको रिलीज होने से पहले ही फ्लॉप का टैग दिया जा रहा था, और इस फिल्म ने पूरा गेम पलट दिया। दोस्तों, ओम राउत के डायरेक्शन में लगभग 700 करोड़ के टोटल खर्चे में बनने वाली आदिपुरुष को आज यानी 16 जून को रिलीज सिनेमाघर में कर दिया गया है, और मूवी को बेसब्री से लोग इंतजार भी कर रहे थे, साथ ही दूसरी तरफ लोग इसका कड़ा विरोध भी कर रहे हैं। तो मूवी फुल क्रिटिकल कॉन्ट्रोवर्सी में लगातार सर्वाइव कर रही है और ना हारने वाले जुनून के साथ लगातार आगे बढ़ते हुए निकल रही है। इस फिल्म ने काफी ऑडियंस का दिल भी लूट लिया, जिसका जीता जागता सबूत हम एडवांस बुकिंग कलेक्शन से देख रहे हैं और इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मूवी को 2D, 3D और IMAX स्क्रीन पर जबरदस्त तरीके से रिलीज कर दिया गया है। बता दूं तो मूवी हिंदी और तेलुगु भाषा में ऑफिशियली शूट करी गई है, जिसमें से कन्नड़, तमिल और मलयालम में आपको डबिंग करके दिखाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मूवी को पूरे भारत में 5 लैंग्वेज में लगभग 6200 से 6500 स्क्रीन दी गई है, जिसमें से हिंदी बेल्ट को सबसे ज्यादा स्क्रीन दी गई है 4000 की, जो कि एक ह्यूज नंबर है। दोस्तों, इंडिया में एडवांस बुकिंग बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रही है, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हिंदी बैल्ट की। दोस्तों, लगभग 10 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन 3D स्क्रीन से कर लिया है अभी तक, लगभग 3,50,000 से ऊपर टिकट बेचकर, और 2D स्क्रीन से लगभग 3 करोड़ का कलेक्शन सिर्फ 1.5 लाख टिकट बेचकर, और तेलुगु 3D से लगभग 9 करोड़ का कलेक्शन या फिर इससे ऊपर कर लिया है, अराउंड 3,65,000 टिकट को सोल्ड आउट करके। तेलुगु 2D की बात करें तो 4 करोड़ की एडवांस बुकिंग कलेक्शन इसके आसपास कर लिया है, वो भी 2,10,000 टिकट को सोल्ड आउट करके। मलयालम 3D की बात करें तो लगभग 8.2 लाख का कलेक्शन अराउंड 3,000 टिकट को सोल्ड आउट करके किया है, और तमिल 3D से लगभग 10 लाख की एडवांस बुकिंग कलेक्शन लगभग 6,300 टिकट को सोल्ड आउट करके किया है। तमिल 2D की बात करें तो लगभग 60,000 से ऊपर का एडवांस बुकिंग कलेक्शन कर लिया है, वो भी 415 टिकट को आसपास सोल्ड आउट करके। इसी के साथ कन्नड़ा 3D से अगर बात करें तो लगभग 4.5 लाख का एडवांस कलेक्शन सिर्फ 3,000 प्लस टिकट को सोल्ड आउट करके कर लिया है। अगर 2D से बात करें वही कन्नड़ा सिनेमा की, तो लगभग 60,000 का कलेक्शन कर लिया है। इसी के साथ ऑल ओवर इंडिया से टोटल एडवांस बुकिंग कलेक्शन की अगर बात करूं तो लगभग 28 करोड़ के आसपास या फिर इससे ऊपर का कलेक्शन अभी तक एडवांस से कर चुकी है मूवी, और एंड ऑफ द डे टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फर्स्ट डे का लगभग 100 करोड़ से पार आंकड़ा जाता दिख सकता है, अगर ऐसे ही ग्रोथ करती रही तो। इसी के साथ KGF और RRR और पठान जैसी फिल्मों को साथ खदेड़ भी सकती है बहुत ईजिली। लेकिन खत्म करने से पहले एक सवाल आप लोगों से ये है कि मूवी 100 करोड़ की ओपनिंग ले पाएगी इंडिया में या नहीं, ये आप लोग बताएंगे। दूसरा ये, क्या मूवी 1000 करोड़ का बिजनेस कर पाएगी अपने लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में, फटाफट मेरे अकाउंट से जरूर सर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ फिल्मों के अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।